जब कोई हिम्मत जोड़कर आता है ना सच बोलने, तो दुनिया उसे मजाक समझती, और जब कोई कमजोर होके कुछ बोल नहीं पाता वो सेल्फिश कहलाता है। हम पुरुष ज्यादातर भविष्य की चिंता में रहते हैं, यार नहीं यार ये कर ले रहा है, औरतें बोलती है उस करने के चक्कर में आज तो बच्ची का जन्मदिन था तुम तो भूल गए और दफ्तर में ही रह गए, क्योंकि ऐसा नहीं वो खराब कर रहा था, वो कल के प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो बोलता आज मना लो ना जितने में उतने में उत्सव मना लो, कल देखेंगे। जीवन में बदलाव होते हैं और ये बदलाव तरक्की लेके आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कभी काम नहीं आता। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2,00,000 रुपए महीना कमा सके। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1,00,000 रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हो। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से पहचाने। मैं अपनी पहचान खुद ढूंढना चाहता हूँ। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। भाई मैंने दुनियादारी के कॉलेज में एडमिशन लिया क्या कि आपकी वो शादी कॉलेज जो सिखाती है ना उससे कहीं ज्यादा जो दुनियादारी वाली कॉलेज सिखाती है। सही बात है जेठा भाई। इस सफर में एक बात समझ आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितने भी अपने हो पहले अपना देखते हैं। जिंदगी तेरे रंग। 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये के बाद तो 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखे। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ। एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ। 1+1=2, 2+2=4, 3+3=6, 4+4=9, एंड 5+5=10। वेल, लोग देखेंगे तो सब कुछ, लेकिन उनका फोकस आपकी सिर्फ इस एक गलती पर होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने से काम है जो कि सही किए, वो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा काम है जो कि आपने गलत किया। आपके द्वारा की गई सिर्फ एक गलती आपके द्वारा किए गए सभी सही कामों पर पानी फेर देगी। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हम कभी नहीं करते। एक्चुअली लाइफ में भाई कुछ भी करना, लेकिन किसका दिल मत दुखाना दोस्त। वो क्या है ना, दुआ तुझे आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये साले बद्दुआ है ना, ये तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, याद रखना। हो सकता है किसी की बात आपके दिल पर लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है। क्या मेरी एक प्रॉब्लम, मैं किसी भी माँ का दुख उनका दर्द नहीं देख सकता, क्योंकि माँ जो होती है बहुत अजीब होती है। जब भगवान ने उन्हें बनाया तो जो कुछ यहाँ देना था वो सब कुछ यहाँ दे दिया दिल में, तो यहीं से सोचती हैं, यहीं से समझती हैं, यहीं से प्यार करती हैं। डिजायर्स तो आदमी की कभी खत्म नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरे पिता आज भी होते तो उनको बड़ा शौक था पैग वैग मारने का। मुझे होता था कि आज मेरे फादर होते तो मैं दुनिया भर की स्कॉच उनके सामने रखता, पर भगवान मेरे ख्याल से सबको सब कुछ नहीं देता है शायद, इसीलिए कि आदमी अपने आप को ना भगवान समझे। सफलता के पीछे लगे रहो, एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी उधर भी हो जाती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब सीएम मैगी आ गया था ना मार्केट में, 2 मिनट मोहम्मद रफी 2 मिनट के लिए नहीं आया था जी, किशोर कुमार 2 मिनट के लिए नहीं आया था, वो दिल के लिए आया था। तो जब सफलता जो है जो आपका बड़ा धीरे 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 मजा देता है, और सफलता के साथ हमेशा एक असफलता का पेड़ जरूर लगाना, ताकि गिरो तो वो पेड़ तो है ही असफलता वाला।